हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के एक क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर क्लास सेवेंथ का है और इस क्वेश्चन पेपर को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। तो आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने साथ में उसके नीचे दे दिए हुए हैं, जिससे आपको आंसर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले सेक्शन में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगला सेक्शन जो है सेक्शन बी। इसमें जो है आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को आपको 3 से 4 लाइन में लिखने होते हैं। और सेक्शन बी में जो है टोटल आपको शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आप सबसे पहले जो इन क्वेश्चंस को देखो, फिर इसके आंसर को भी आप मैच करा लो, ताकि आपको आंसर खोजने के लिए कॉपी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं और जिसके आंसर को आपको लगभग एक पेज में लिखना होता है। लगभग 6 से 7 लाइन में आप जो है इसके आंसर को लिखोगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने जो है आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपको अपने से इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है और लिखने के बाद उनके आंसर को हमारे वीडियो में दिए हुए आंसर से मिला लेना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर जो है इन सारे क्वेश्चंस को आंसर को जरूर याद करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को हमने बनाते समय सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें रखा है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बस ये इतने ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। आगे अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।